हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस दुबई सीरीज़ के नए वीडियो में। और आज हमारा चौथा दिन है दुबई में, और आज हम लोग जाने वाले हैं पहले म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, और उसके आगे हमारा प्लान है यहाँ से डेजर्ट भी जाने का। तो चलो चलते हैं जल्दी से, हमारे होटल से करीब 1.1 किलोमीटर ही दूर है, तो सोचा चलो पैदल ही चलते हैं। तो बस जा ही रहे हैं और आगे मैं चल के बताता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ का व्यू देख लो। तो ऐसा है कुछ, और हम पैदल पैदल जा रहे हैं अभी। काफ़ी बढ़िया है यार दुबई का जो सड़कें हैं, ये सब काफ़ी ट्रैफिक वगैरह फॉलो करते हैं, और हमारा होटल यहीं पे है इस तरफ पीछे में। तो हमने सोचा कि चलो वॉक करके ही चले जाएं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप दुबई आने का प्लान करें तो जुलाई में तो बिल्कुल भी मत आना, आप देख लेना कौन सा मौसम अच्छा होता है। मेरे ख्याल से अक्टूबर से फेब अच्छा मौसम होता है आने का यहाँ पर, तो उस हिसाब से आप लोग प्लान करिएगा ताकि आप लोग यहाँ पर वॉक अच्छे से कर पाएँ। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो आप यहाँ पे अगर ऑनलाइन टिकट्स लिए हो तो यहाँ पे कियोस्क होता है जहाँ से आप अपना टिकट रिडीम कर सकते हो, और ऐसा कुछ बैंड मिलता है आपको अंदर घुसने के लिए। तो अभी जस्ट हमने बैंड लिया है और अब सामने से जाएंगे। बाकी अंदर से तो घुसते साथ ही काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, तो अंदर आई होप बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो ऊपर उड़ रहे हैं ना, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं है। आई थिंक मे बी दे आर यूजिंग लाइट गैस या क्या यूज़ कर रहे हैं, और अंदर से कुछ ऐसा है। और चलो अंदर चलते हैं यहाँ से, और फिर मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ। तो यार ये था म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर। तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप के जोन्स थे, जैसे पहला जोन था जहाँ पे स्पेस स्टेशन के बारे में बताया था, और इन लोग फ्यूचर में कैसे स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके अलावा मेंटल वेलबींग के बारे में था, कैसे आप मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हो टेक्नोलॉजी के साथ, और काफ़ी अलग अलग टाइप के थेरेपीज थे, एडवांस मेडिटेशन के तरीके थे, और डिप्रेशन से कैसे आप ओवरकम कर सकते हो। उसके अलावा जो एक पार्ट था जहाँ पे उन्होंने दो तीन तरीके के जीन्स को मिक्स करके अलग अलग क्रिएचर्स बनाने की कोशिश की थी, उसके वहाँ पर सैंपल्स रखे हुए थे, और बच्चों के लिए भी एक अलग से सेक्शन था। उसके बाद एक और सेक्शन था जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, वो रोबोट्स वाला सेक्शन था जहाँ पे अलग अलग टाइप की कार्स थी, रोबोट्स थे, और AI के मदद से उन लोग को बनाए थे, और कुछ कुछ के तो डेवलपमेंट चल रहे हैं अभी भी, टेस्टिंग फेज में। तो ये सब है, और भी काफ़ी सारा चीज़ है, और आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर में एक जगह भी है जहाँ पर आप जाकर फोटोज़ वगैरह ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। आई थिंक हमने इसका 3,100 पर पर्सन पे किया था, और मैं जब लास्ट टाइम दुबई आया था तो यहाँ नहीं आ पाया था, लेकिन ये डेफिनेटली वर्थ अ विजिट है। तो एमिरेट्स टावर्स जो मेट्रो स्टेशन है ये उसी से लगा हुआ है, ये ऐसा जाने का बना हुआ है म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर में। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और एमिरेट्स टावर्स के पास ही जो रेस्टोरेंट है ब्रावो स्टार करके, हम अभी वहाँ जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो चलो चलते हैं खाना खाने के लिए। यार ये जो सामने में आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये वाली, ये जो है ना, ये टॉलेस्ट होटल इन द वर्ल्ड है। आई डोंट नो, कुछ साल पहले तक तो इसके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, अभी भी शायद होगा। और यहाँ पे अगर आपको स्टे करना है तो करीब करीब 4 रात का 20,000 के आसपास लगता है, तो ऐसा सीन है, यानी कि पर नाइट जो है आपको लगेगा 4,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये।
तो लंच हो गया है, लंच में हमने खाया अंडा बिरयानी और उसके साथ हमने लिया 7 अप के 2 कैंस और उसका हमने पे किया 30 दिरहम, जो कि डाउनटाउन दुबई के हिसाब से ठीक प्राइस है और खाना भी अच्छा था। 1 hour later जो मैंने बुक किया है ना, इसको मैंने बुक किया है क्लुक से और क्लुक में मैंने इसका पे किया है 5,180 रुपये, ठीक है। और बात करूँ मतलब ये वर्थ इट है कि नहीं, तो मुझे तो लगता है पूरा वर्थ इट है। तो क्या होता है, ये आपको होटल से पिकअप करते हैं और पिकअप के बाद जो है आपको ये लोग ले जाते हैं डेजर्ट में, ओमान बॉर्डर के पास में डेजर्ट है। तो सबसे पहले आप लोग को एक कॉमन एरिया पर लेके जाते हैं, वहाँ पर आप और एक्स्ट्रा पे करके वो बाइक्स वगैरह जो आपने देखे ना, क्वाड बाइकिंग, वो सब कर सकते हैं एक्स्ट्रा पैसा देके। तो उसका जो लगता है 2 लोगों का, उसका लगता है करीब करीब 250 दिरहम के आसपास, और उसमें 2 लोग कर सकते हैं और सिंगल पर्सन का 165 दिरहम लगता है। वो लोग बोलते तो हैं कि आप इसको 20 मिनट कर सकते हो, लेकिन आप उसको थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो 20 मिनट, हमने तो करीब 30-35 मिनट चलाया, तो ऐसा कुछ सीन है। और उसके बाद जो होता है ना, वो आप वहाँ पे करीब करीब 40-45 मिनट स्पेंड करने के बाद ये ले आते हैं आपको ड्यून बैशिंग के लिए। तो इसमें जो गाड़ी है लैंड क्रूज़र, मतलब चलाते हैं, दौड़ाते हैं गाड़ी को, बहुत तेज़ चलाते हैं और वो उसमें बहुत मज़ा आता है। पर कई लोग को उसमें वॉमिटिंग भी होती है, बहुत कम चांसेस है, बट अगर आपको ये सब चीज़ होती है तो मेक श्योर कि आप कुछ कैरी करें वॉमिटिंग बैग वगैरह, वैसे मोस्ट लाइकली चांस है कुछ होगा नहीं। और ये करीब करीब 20 मिनट के आसपास उसको भी कराते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे एक कॉमन एरिया है, तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है कॉमन एरिया, यहाँ पे डिनर वगैरह करते हैं, कुछ डांस वगैरह होंगे, कैमल राइड्स वगैरह कर सकते हो, आई थिंक वो फ्री है कैमल राइड्स वगैरह, बस यही है। और जब ड्यून बैशिंग होती है तो उसके बाद क्या बोलते हैं, वो एक जगह पे स्टॉप करता है, वहाँ पे ड्राइवर जो आपका फोटो वगैरह लेता है, अगर आप सोलो तो आपका फोटो वगैरह लेगा, एंड आप वहाँ पे सैंड बोर्डिंग वगैरह भी कर सकते हो, और इस जगह पे भी आप सैंड बोर्डिंग कर सकते हो क्योंकि ड्राइवर के पास होता है सैंड बोर्ड्स, तो यहाँ पर भी कर सकते हो जहाँ पे खाने का है। तो बस यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और बस यही है। और यहाँ पर कैमल राइड्स भी हैं। बाकी प्राइस वाइज बात करूँ तो यार ठीक है, अच्छा है, एक्चुअली काफ़ी अच्छा है उस हिसाब से, तो क्योंकि डिनर वगैरह इसमें सब इंक्लूडेड है। लेकिन जो मैंने उसमें जो बाइक्स होती है क्वाड बाइक, उसका पे किया, वो तो काफ़ी महंगा था, करीब करीब 6,000-6,500 तो उसी में मेरे कट गए थे 25 मिनट के लिए, 20-25 मिनट, हमने तो 30 मिनट चलो चलाया, 30-35 मिनट। पर ठीक है यार, मतलब यहाँ आ रहे हो तो खर्चा तो करोगे ही, दुबई वैसे भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उस हिसाब से तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है ये। और इसको बुक मैंने किया था क्लुक से, तो ये देखो मेरे पीछे लगा भी है क्लुक का साइन। तो आप भी 2-3 जगह चेक करना, 2-3 वेबसाइट हो गया, क्लुक हो गया, थ्रिलोफिलिया हो गया, और भी कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो ये टूर पैकेजेस बेचती है, तो बस यही है, आप देख लीजिएगा। अच्छी बात ये है कि होटल से पिकअप करते हैं और आप काफ़ी थक जाते हैं तो लोग होटल ड्रॉप ऑफ भी करते हैं, तो वो एक अच्छी बात लगी, चलो अंदर चलते हैं इन्जॉय करते हैं। तो अंदर से कुछ ऐसा है, और यहाँ पर होगा शायद बैली डांस शो होगा, और वहाँ पर छोटा मोटा फायरवर्क्स होगा, और उधर डिनर का है। तो बस कुछ ऐसे ही सीन है, यहाँ पे करीब 2-3 घंटे अपन रुकेंगे, उसके बाद जो ड्राइवर है वो हमको हमारे होटल वापस ड्रॉप ऑफ कर देगा। तो चलो अब इन्जॉय करते हैं यहाँ पे, देखते हैं कैसा होता है शो। ऑल्सो हर जगह पर बाथरूम वगैरह की सर्विस है,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पर क्वाड बाइकिंग किया था वहाँ पर भी है। उसके बाद ड्यून बैशिंग के बाद भी वो आपको एक जगह ले जाता है जहाँ पर आप टॉयलेट वगैरह का यूज़ कर सकते हो, हाथ मुँह पोंछ सकते हो, और फिर यहाँ तो सब कुछ अवेलेबल है ही, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। तो ये हम आ गए हैं कैमल में, और ये इंक्लूडेड है, इसका कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है इसका। तो यार बस यही था दुबई का डेजर्ट सफारी, और अच्छा एक्सपीरियंस था काफ़ी। और उन्होंने अभी हमको होटल में ड्रॉप कर दिया है, तो अब फाइनली दुबई छोड़ने का समय आ चुका है। कल सुबह की हमारी फ्लाइट है, और मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप कैसे दुबई का ट्रिप प्लान कर सकते हो सस्ते में। खैर ये वाली जो ट्रिप थी ये बजट ट्रिप नहीं थी, लेकिन मैं इसके पहले भी दुबई आ चुका हूँ, तो मैं आप लोग को उसमें काफ़ी कुछ बताऊँगा कि आप लोगों को कहाँ कहाँ जाना है और कैसे कैसे जाना है, और एक पूरा उसमें फॉरेक्स के बारे में बताऊंगा, वीज़ास के बारे में, इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर कमिंग टू दुबई, वैसी टाइप की वीडियो रहेगी। तो मेक श्योर वो वीडियो आप चेकआउट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और खाने की बात करें तो खाना तो आई वुड से एवरेज था, कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वैरायटी काफ़ी थी। इंडियन था, अरेबिक था, और इंग्लिश फूड भी था थोड़ा बहुत, तो सब कुछ का मिक्स था, पर खाना एवरेज था टेस्ट वाइज। तो बस इतना ही है यार, अब ख़त्म करते हैं दिन को, और तब तक के लिए बाय बाय।